तो यहीं पे मैं बना रही हूँ शाम की चाय सबके लिए। जिया जी के लिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि वो अभी सो रहे हैं इसलिए, और सबके लिए बना रही हूँ। तो राखी वगैरह सब मतलब बांध दी थी दीदी ने और वो चली गई थी फिर प्लॉट में जो चाची जी का घर है वहाँ पे सबके राखी बांधने। और फिर उसके बाद वो जब अभी आए थे थोड़ी सी देर पहले, मैंने तो आराम कर लिया था लेकिन उनके साथ मैं नहीं बैठी थी, तो अभी हम साथ में बैठेंगे, चाय वगैरह पियेंगे और गपशप मारेंगे। तो चलिए फिर इन्जॉय कीजिए आप वीडियो को। और बस यहाँ पे चाय मैं लेके जा रही हूँ। यहीं पे जो है ना मैं अपने लिए डाल लूँगी चाय क्योंकि मैंने और सबके लिए डाल के दे दी है, और बस मैं अभी बच्चों के लिए और अपने लिए लेकर जा रही हूँ चाय। और तो बस यहीं पे जो है ना बच्चे भी चाय पी रहे हैं और दीदी ने पी ली थी तो वो अभी लेट गई हैं थोड़ी सी देर, बोली मैं थक गई हूँ पूरा दिन हो गया ना जैसे कि। मैंने कहा हाँ मैं तो सो गई, जग रही, हाँ आप तो सो गई थी और मैं हार गई हूँ क्योंकि जाना आना परेशान हो ही जाते हैं। वैसे तो गाड़ी में गई थी, फिर भी अगर हम पूरा दिन मतलब थक जाते हैं अगर आराम ना करें तो। बस यहीं पर जो हम बातें कर रहे थे कुछ और अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगता है जैसे आती हैं तो रक्षाबंधन पे भी। और बड़ी दीदी नहीं आती हैं जैसा कि मैंने आपको बताया अभी इससे पहले की वीडियो में। तो यहीं पे जो है ना बस बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, और घर की हालत तो आप जैसे कि देखते ही हैं भाई, बच्चे होते हैं एक साथ मिलते हैं और ऐसे त्यौहार वगैरह पे घर का बेहाल हो ही जाता है, तो उस चीज़ को इग्नोर करना।
बच्चों का मन था पिज़्ज़ा खाने का, तो अब यहाँ पे गांव में हमारे मार्केट में जो है ना पिज़्ज़ा मिलने लगा है। पहले नहीं मिलता था, पिज़्ज़ा पेस्टी चाउमीन बर्गर तो मिल जाते थे लेकिन कम मिलते थे, तो मोमोज़ वगैरह सब कुछ मिलता है जंक फूड। तो यहाँ पे हस्बैंड लेकर आए थे पता नहीं कौन सा बता रहे थे पिज़्ज़ा, तो बहुत ही टेस्टी था। मतलब दिखने में तो ज़्यादा खास नहीं था लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा यमी था गाइस, सच में। मतलब मैंने जैसा सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था ये पिज़्ज़ा। तो पहली बार ट्राई किया था यहाँ से मंगा के गांव से ही, नहीं तो रेवाड़ी का ही खाया है, तो वहाँ का तो टेस्टी होता ही है। लेकिन यहाँ गांव में भी अच्छी चीज़ें मिलने लगी हैं कि भाई मन करे तो खाने के लिए मंगा ली जाए। तो बस यहीं पे जो है चल रही है पिज़्ज़ा पार्टी सबकी, और अभी जो है हस्बैंड जी मतलब संभाले हुए हैं कैमरा को, तो अभी थोड़ी थोड़ी हेल्प करने लगे हैं इस चीज़ में वो मेरी, पहले नहीं करते थे लेकिन अब करने लगे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं बंद नहीं करने वाली हूँ, तो साथ देते हैं वो मेरा, पूरा फुल सपोर्ट करते हैं। तो बस यहीं पे जो अगले दिन का वीडियो है ये, तो हस्बैंड जा रहे हैं मतलब दीदी अभी गई हैं, 12 तारीख का वीडियो है, तो दीदी गई हैं अभी और इनको जाना है ट्रिप पर, अपने ऑफिस की तरफ से ये जा रहे हैं ट्रिप पर वैष्णो देवी अमृतसर, ठीक है। तो ये अभी जाएंगे, बस रेडी हो चुके हैं, दीदी हर जा चुकी हैं, वो 4 बजे यहाँ से चले गए थे और ये जा रहे हैं 5:30 बजे, तो रेडी हो गए हैं, से कंफर्ट कपड़े पहन के जा रहे हैं क्योंकि सफ़र ज़्यादा लंबा है, तो बस ऐसे ही। और बच्चे दोनों सो रहे हैं तो बस उनको ही अभी देख कर आए थे, और रेडी हो गए बिल्कुल जाने के लिए। खाना वगैरह सब मैंने बना के दे दिया है उन्हें एक टाइम के लिए, तो मैंने कहा आराम से जाना, अपने अपना ध्यान रखना क्योंकि वो दवाई वगैरह जो है मैंने रख दी है, सब चीज़ रख दी है, मतलब इतने लंबे सफ़र के लिए जाते हैं तो पूरा इंतज़ाम करके जाना पड़ता है। तो बस यहीं पे जो है बाय कर रहे हैं, और ये देखिए यहाँ से अभी मैं आ गई हूँ दूसरी छत से, तो वो देखिए आपको दिख रहा है ना, वहाँ से भी वो बाय करके जा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।